हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। सभी टॉपर्स को फिजिक्स वाला परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। और जो बच्चे यूपीएससी के साथ पीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला और पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला लेकर आ गया है यूपीपीएससी 2024 और 69th बीपीएससी के लिए सक्षम 3.0 फाउंडेशन बैच। यूज कीजिए कूपन कोड SDM1000 और बैच पर पाइए एक्स्ट्रा 1000 रुपए का डिस्काउंट। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। मतलब कंपनी स्ट्रगल तो रहती है, 2 से 3-4 बार रहती है, क्योंकि सीट बहुत कम होते हैं। सभी अच्छे हो जाएं तो भी पॉसिबल आपको तुरंत चांस ना मिलेगा। ये भी शुरुआत में ऐसा था कि हम जैसे यूपीपीसीएस पहली बार दिए तो नहीं निकला फ्री, तो फिर लगा कि तैयारी अभी बहुत अधूरी है। और जैसे आप आखिरी समय में जैसे होता है कि आप 120 कट ऑफ है छोड़ा हुआ था, तो उन्हें लगता है शायद यूपीएससी ना कर पाए ये, क्योंकि मैं एक सिंपल उससे रहा हूँ बहुत ज़्यादा, तो शुरू से बहुत तेज़ तो रहा नहीं हूँ। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका पांडे और यूपीपीसीएस 2022 में सेलेक्ट हुए हैं मिस्टर मनीष मिश्रा आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। हम इनसे पूरी बात करेंगे कैसे इनकी क्या स्ट्रेटजी रही और क्या इन्होंने फेस किया इस दौरान सिलेक्शन तक, वो सारी बातें करेंगे। इनकी रैंक है रैंक 5 इन्होंने गेन की है, ADEO के पद पर इनका चयन हुआ। चलिए आइए हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और वेलकम करते हैं हम अपने चैनल पर। जी मैम, थैंक यू आपको इसके लिए। चलिए तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, कैसे कैसे आपने कहाँ से मोटिवेट हुए, कब आपने शुरुआत की इसके लिए तैयारी की, तो वो सारी बातें बताइए। फैमिली से शुरू करते हैं सबसे पहले। मेरे फैमिली मतलब मेरे माता पिता हैं, जो पिताजी मेरे लाइब्रेरियन हैं डिग्री कॉलेज में, और एक भाई और एक बहन है। और इससे बीटेक के दौरान ही मतलब मुझे लास्ट ईयर मुझे लगा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए, और फिर मेरा एक प्लेसमेंट ITC में हुआ था तो वो मैंने छोड़ के फिर मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी होने शुरू की थी। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कहाँ से करा आपने? हाई स्कूल मेरा स्वस्ति शिशु मंदिर सिद्धार्थनगर से ही था। सिद्धार्थनगर, और वो इंटर था हमारा स्वस्ति शिशु मंदिर में ही गोरखपुर के साथ था। अच्छा, और फिर बीटेक कहाँ से किया आपने? बीटेक मेरा पंजाब में था। और आपकी ब्रांच क्या थी? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। अच्छा, फिर बीटेक करने के बाद कौन सा ईयर था बीटेक कंप्लीट हुआ जब? फोर्थ ईयर में जैसे मेरी जॉब लग गई थी, तो लास्ट सेमेस्टर में लगभग सबकी जॉब लग जाती है, तो उस दौरान मुझे सोचने का मौका मिला कि इस जॉब में मैं हमेशा फिट रहूँगा या नहीं, या ऐसा कोई जॉब चुनूँ जहाँ मुझे हमेशा इंटरेस्ट बना रहे। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं सिविल सर्विस ऐसा जॉब है जो मतलब एक सबसे जुड़ने का मौका मिलता है, और यहाँ हमेशा काम बदलते रहते हैं, एक फिक्स काम में आप नहीं रहेंगे, तो ये मोटिवेशन था कि मुझे इस जॉब की तरफ खींचा। अच्छा, कौन से ईयर में कंप्लीट हुआ बीटेक, मैं ये पूछ रही थी। बीटेक ये 4 साल का रहता है? नहीं नहीं, जैसे 18 में 16 में मेरा कंप्लीट हुआ था। 2016 में आपका कंप्लीट हुआ, प्राइवेट जॉब भी लगी, आपने जॉब को क्विट किया सिविल सर्विसेज में आने के लिए, तो वो कौन सा ईयर 2017 में या 18 में कब शुरुआत किया आपने फिर? 2017 में मुझे लगा कि एक बार इसकी तैयारी करनी चाहिए, तो मैंने करीब दृष्टि में कोचिंग लिया, वो करीब 2 साल का कोचिंग रहता है। और उसके बाद मैंने पहले शुरुआत किया यूपीएससी का अटैम्प्ट देने का, फिर जैसे मैंने पहला अटैम्प्ट दिया उसमें मेरा करीब एक क्वेश्चन से मेरा प्री नहीं हुआ, तो फिर मैं प्री के स्टेट पीसेस की तरफ फोकस करने लगा, क्योंकि थोड़ा घर वालों को दबाव रहता है कि पहले कोई ना कोई एक जॉब ले लो, क्योंकि मैंने एक जॉब छोड़ा हुआ था तो उन्हें लगता है शायद यूपीएससी ना कर पाए ये, क्योंकि मैं एक सिंपल उससे रहा हूँ बहुत ज़्यादा, तो शुरू से बहुत तेज़ तो रहा नहीं हूँ, तो घर वालों को लगता था पहले छोटा मोटा कोई ले लो, फिर आगे एक जॉब रहेगी तो तुम आराम से कर लेना। ये ज़रूरी भी होता है, एक हमारे पास बेस मिल जाता है आगे बढ़ने के लिए, थोड़ी टेंशन ख़त्म हो जाती है। ये ज़रूरी भी है कि हम एक जॉब ले लें उसके बाद तैयारी करें, लगभग सभी का यही स्ट्रेटजी होता है, होना चाहिए। तो फिर आपने फिर अब शुरुआत में तो आपने सोचा होगा कहाँ से पढ़ाई करें, कहाँ से कैसे, मतलब एक तैयारी के लिए आपको मिला स्रोत कहाँ से मिला सब कुछ? जैसे मैं जब तैयारी का मैंने सोचा तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ पे कौन सी कोचिंग अच्छी रहती है कुछ भी, तो मैंने सिर्फ एक दो दोस्तों से बात किया, उन्होंने बताया दृष्टि IAS हिंदी मीडियम में अच्छा है, तो मैं इंग्लिश मीडियम से था, मतलब मुझे लगा कि शायद हिंदी मीडियम में ऐसा कोई पार्शियलिटी वगैरह कुछ ऐसी होती नहीं, मुझे पता नहीं था ज़्यादा, तो मैंने दृष्टि IAS से लिया कोचिंग, फिर धीरे पता चला यूपीएससी में हिंदी मीडियम से सिलेक्शन लेना बहुत टफ है। अच्छा, तो फिर एक अटेम्प्ट के बाद मुझे लगा कि हो सकता आगे ना कर पाऊँ, तो मैं स्टेट पीसेस की तरफ मुड़ गया, और उस दौरान मैं राजस्थान का प्री निकाला, तो उसका मैंने मेंस फिर क्विट कर दिया था क्योंकि उसका थोड़ा सिलेबस, और फिर यूपीएससी में फिर लग गया 1 साल के लिए, और फिर 20 के आसपास मैंने पीसीएस में अच्छे से ध्यान दिया, तो मेरा बिहार निकलना चालू हुआ, और मैं बिहार में 20 में करीब 65 बीपीएससी था, उसमें मेंस में छट गया था, और 66 में फाइनल इंटरव्यू से 1 नंबर से मैं बाहर हो गया था फाइनल सिलेक्शन से। अच्छा,
और उसी समय से फिर 2021 में मैंने UPPSC का प्री बहुत सीरियस दिया और 2022 का दिया। अच्छा, तैयारी के दौरान कभी ऐसा लगा कि बहुत टफ हो रहा है, मतलब एक कंटिन्यूटी जो है वो ख़त्म हो रही है, बीच में जो निरंतरता रहती है पढ़ने की, क्या वहाँ कभी आपको लगा कि ब्रेक हो गया है हमारा? ये मैम बहुत बार ऐसा लगता है, इससे हम तैयारी करते हैं तो हमें लगता है कि एक हफ्ते में तैयारी कर लिए, फिर लगेगा कि नहीं, मतलब जो हमने नोट्स बनाए हैं उसमें ज़्यादा समय लग गया, सिर्फ पढ़ना चाहिए था। फिर ऐसा होता है कि इसे जब क्वेश्चन सॉल्व करें तब भी लगता है कि यार नेस नहीं हो रहा है, और फिर जैसे रिजल्ट भी इसमें तो आप एक लंबे समय आपको देना पड़ेगा। ये शुरुआत में ऐसा था कि हम जैसे UPPSC पहली बार दिए तो नहीं निकला फ्री, तो फिर लगा कि तैयारी अभी बहुत अधूरी है। और जैसे आप आखिरी समय में जैसे होता है कि आप 120 कट ऑफ है, आप 115 तक पहुँच रहे हैं, उसके बाद वो 5 से 10 नंबर इंक्रीज़ करना बहुत मुश्किल रहता है, उस सैचुरेशन को तोड़ना, उसके लिए आपको फिर बहुत समय देना पड़ता है। अच्छा, तो थोड़ा प्री की स्ट्रैटेजी हमें बताएं, फिर उसके बारे में बाद में हम बात करेंगे, और हम पहले प्री की, मेन की और इंटरव्यू की जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ा फैमिली के बारे में बात करेंगे, आपके सराउंड कितने स्ट्रगल्स आपने की वो सारी बातें करेंगे, पहले हम स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्री के लिए अगर कोई तैयारी शुरू कर रहा है आज से या कभी से, या 2024 के लिए अगर किसी को तैयारी करनी है, तो बेस कहाँ से उसे मिले, क्या शुरुआत करे वो कि वो वहाँ तक पहुँच पाए? जैसे मैं प्री जब शुरुआत में मैंने दिया तो मेरे प्री नहीं निकल रहे थे, तो मैंने फिर अपनी गलतियां खोजनी चालू की, तो उसमें कई लोगों ने मुझे सजेस्ट किया पहले आप मतलब प्री का प्रीवियस ईयर पेपर देखें, तो उससे आपको पता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा पड़ा है और आप सिर्फ पढ़ते चले जाएंगे तो एक सब्जेक्ट भी नहीं ख़त्म कर पाएंगे, और एग्ज़ाम में जब बहुत कम समय रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, तो उन्होंने आप एक बार प्री का जो प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो उससे स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन या कौन से टॉपिक ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो उससे हिसाब से मैंने सभी सब्जेक्ट का जो हॉट टॉपिक होता है उनको निकाला, और इससे एक आइडिया लगेगा कि इतने ब्रॉड सिलेबस में ये ऐसे टॉपिक है जहाँ मुझे ज़्यादा फोकस करने हैं, और फिर उन टॉपिक के छोटे छोटे नोट्स बना लिए और उन पे फिर ज़्यादा फोकस करते हैं, उनके टेस्ट सीरीज वगैरह लगाने, और फिर वो चेक करने से एक आइडिया लग गया कि आप प्री निकल सकता है। अच्छा, किताब वगैरह की कौन सी ली आपने, कैसे किताबें कहाँ से गेन की? UPPSC के लिए सबसे अच्छा तो घटना चक्र कराता है, जो प्रीवियस ईयर सब कुछ उसमें दिया रहता है, पूर्वावलोकन, और उसके साथ में आपको लगे कि आपका समय भी अच्छा है तो उसमें कोई भी एक सब्जेक्ट जैसे दृष्टि का मैं क्विक बुक फॉलो करता हूँ, वो काफ़ी शानदार दिया हुआ है। और मॉक टेस्ट भी दिया होगा आपने? मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, जैसे आपका नहीं निकल रहा तो लगा सकते हैं, एक बार आपका निकलने चालू हो जाता है फिर आपको दिक्कत नहीं आती है। अच्छा, प्री में सी सैट के लिए फिर क्या किया था आपने? वो तो आपके लिए तो इजी रहा होगा, बीटेक किया ही है आपने तो फिर। हाँ, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए कि जो लोग बीटेक करा हुआ है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो लोग नहीं करा हुआ है जिन्होंने उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो क्या करें इसके लिए? देखिए, सी सैट जो मैंने देखा हो UPSC तक में भी, वो कभी फार्मूला बेस पर क्वेश्चन नहीं रहता, उनको रहता है अब एक बेसिक समझ रहे हैं बस, तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं जैसे दृष्टि ने अभी बहुत सारे सी सैट की रीजनिंग और मैथ की फ्री की क्लासेस यूट्यूब में डाली हुई, आप उसको देख सकते हैं और मैं बहुत बेसिक तरीके से बताऊँ बिना किसी फार्मूले के यूज़ के आप पूरी सी सैट सॉल्व कर सकते हैं UPSC लेवल का। अच्छा, तो PCS बहुत आराम से आपका हो जाएगा उसमें। तो ये प्री हो गया, इसके अलावा कुछ है प्री में कि हो गया स्ट्रेटेजी इतनी थी? प्री में आप जैसे प्रीवियस ईयर कम से कम लगाइए 10 साल का, ठीक है, तो उससे आपको एक आइडिया लगे, कई बार क्वेश्चन रिपीट कर जाते हैं। अच्छा। तो 8 से 10 क्वेश्चन अगर वहाँ से आपको रिपीट मिल जाता है तो वो तो आयोग जो अपने आंसर माना रहा तो उसमें कभी गलती होने की गुंजाइश नहीं रहेगी, तो 10 क्वेश्चन आप वहाँ से ले लेंगे। करंट अफेयर कहाँ से लिया था आपने? करंट अफेयर मैं 1 से 2 मैगजीन फॉलो करता हूँ, जिससे एक घटनासार हो गया और घटना चक्र का आता है, ये दो बहुत रहते हैं। ये कब आती है, मंथली या? ये मतलब एक पूरे साल की आती है और अभी इसी समय जस्ट आया हुआ है अभी सभी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ये एक पूरे साल का रहता है, आप उसको 5 से 6 बार रिवीजन कर सकते हैं, और उससे क्वेश्चन अगर आप 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 से 25 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। अच्छा, तो ये जब प्री की तैयारी कर रहे थे उसी दौरान आप मेंस की भी तैयारी कर रहे थे या प्री निकल गया उसके बाद आपने शुरुआत की? मैं पहले जो 2021 की, तो उसमें मेरा टारगेट था पहले प्री निकालना, तो मैंने पहले उसमें प्री निकल लिया, उसके बाद मैंने मेंस किया, तो शायद एक समय कम मिला इस वजह से मेरा उस बार इंटरव्यू में फाइनल नहीं हो पाया था, लेकिन अगली बार एक गलती समझ आई तो मैं उससे पहले मतलब प्री से पहले मैंने मेंस पर फोकस किया और बहुत सारे टेस्ट सीरीज और लिखे, तो उससे अगली बार जब मैंने दिया तो 2022 में ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस रहा। अच्छा, फिर मेंस में कैसे सारे पेपर्स को आपने क्लियर किया, 1, 2, 3, 4 और फिर ऑप्शनल भी आपने दिया? मैम, मेंस में जैसे देखेंगे जितने सारे वो हैं पेपर हैं तो उसमें आप देखेंगे तो एक बार प्रीवियस ईयर देख लें, उससे आप जितने क्वेश्चन पूछे उनका सिनॉप्सिस तैयार कर लें, और फिर ऐसा रहेगा कि आप सभी पेपर के जितने भी टॉपिक होते हैं जो आयोग ने दे रखे हैं उनके आप कहीं भी जैसे कोचिंग मटेरियल से लेके या कोई अच्छी ऑथेंटिक किताब हो उनसे आप सिनॉप्सिस तैयार कर लें सभी टॉपिक का, और फिर आप टेस्ट सीरीज़ पकड़ते रहें उससे लिखते रहेंगे तो आपका ज़्यादा बेहतर हो जाएगा लिखने में, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतने आपका भय खुलेगा, और कई बार होता है कि हम जैसे पहली बार लिखें बहुत सारी गलतियाँ करते हैं और जब जितनी बार ज़्यादा लिख लेंगे तो गलतियों संभावना कम हो जाती है। तो आपका सबसे ज़्यादा है मेंस में लिखने पे ज़्यादा फोकस करें। ये पेपर 1, पेपर 2, 3, 4 ये सारा भी आपने दृष्टि से ही लिया होगा?
मैंने पूरी क्लास ले रखी थी उसका, टेस्ट सीरीज़ का मैंने फिर वो लिया था। और टेस्ट सीरीज़ आपको जहाँ भी अच्छा लगे, जो आपके सूटेबल है, जैसे मैंने यहाँ पे श्रेष्ठ फीचर्स में लिया हुआ था तो वहाँ के टेस्ट सीरीज़ में लिया था और लगातार वहाँ दिया, तो वहाँ से क्या होता है आपको बहुत सारे फीडबैक मिलते रहेंगे, तो आपको समझ आता है कि हाँ कौन कौन सी गलती है, अगर आप उसको लगातार सुधारते रहिए। फिर मेंस जब आपका निकल गया, फिर आपने फिर इंटरव्यू के लिए मॉक टेस्ट वगैरह कहीं दिया होगा, तो मॉक वो उसके बारे में बताइए, किसका लिया आपने, क्या सावधानी चाहिए होती, क्या देखना पड़ता है, कहाँ से लें, क्या सूटेबल पड़ेगा। मैंने मॉक के लिए श्रेष्ठ पीसेस भी वहाँ गए थे, सबसे अच्छा वहाँ प्लेटफॉर्म एक देते हैं, वहाँ सभी बच्चे आते हैं और वो डिस्कशन प्रॉपर करते हैं कि आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी जवाब दें, और फिर एक बच्चों का ग्रुप वहाँ मिल जाता है, तो फिर आप साथ मिल के सब कुछ कर सकते हैं। जैसे एक बार वहाँ बेसिक चीज़ें सीख गए कि जवाब कैसे देना है, तो फिर आप कहीं भी जाके मॉक दे सकते हैं। तो वहाँ जैसे वहाँ मैंने एक बार एक मॉक दे लिया, फिर बाकी आप जैसे श्रेय दृष्टि में जा सकते हैं, ध्येय में, जीएस वर्ड में, कहीं भी जाके अपना प्रैक्टिस चेक कर सकते हैं। आप तो मैक्सिमम 3 से 4 मॉक दीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, जिसका हिंदी मीडियम है, क्या उनको पूरा पेपर हिंदी मीडियम में ही करना पड़ता है, या हो सकता है कुछ पेपर वो चाहते हो इंग्लिश में दें, कुछ हिंदी में, क्या ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं, तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। जी मैम, इसमें है कि आप कोई भी एक पेपर चाहे हिंदी में लिखे चाहे इंग्लिश में लिखे, लेकिन पूरा पेपर एक ही लैंग्वेज में लिखना है। जैसे 4 पेपर है जी इसके, तो कोई चाह रहा है हम GS1 हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, या दूसरा हमने हिंदी इंग्लिश में लिख दिया, ऐसा नहीं मिक्स कर सकते? बिल्कुल, जैसे अभी दिव्या सिकरवाल मैम है, इनका रैंक फर्स्ट है, वो पहले 3 पेपर इंग्लिश में लिखी हैं और 4th पेपर है उनका एथिक्स जो है वो हिंदी में है। अच्छा। बाकी जो जैसे SA उनका हिंदी में है और मुझे लगता है ऑप्शनल भी हिंदी में ही है। अच्छा, तो आप ऐसा कोई भी एक पेपर किसी भी लैंग्वेज लिख सकते हैं, लेकिन पूरा पेपर एक ही लैंग्वेज होना चाहिए। अच्छा, ये ऐसे वगैरह के टॉपिक तो फिक्स होते हैं, क्या होते हैं कैसे? लगभग मैम ये देख सकते हैं कि इसे प्रीवियस मतलब पहले देखेंगे जो पहला पार्ट होगा उसमें हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ टॉपिक आता है, सेकंड में ये मतलब आप देखें आर्थिक नीतियों से आता है, और थर्ड में आता है मतलब आपका इथिक्स क्या नाम IR से जुड़ा हुआ रहता है, तो एक आइडिया आपको लग जाता है कहाँ कहाँ से पूछ सकते हैं, और फिर उनके भी यहाँ पे अपना टॉपिक तैयार कर सकते हैं। जैसे उसमें ज़्यादा मेन होता है कोटेशन एक होता है आपके पास, कोटेशन होना चाहिए, और कुछ आप 8 से 10 मतलब टेस्ट सीरीज़ में लिख सकते हैं, तो उससे आपका उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अच्छा, कभी किसी ने पूछा था कि पेन कौन सी यूज़ करें वहाँ पर हम लिखते समय, कि ब्लू ब्लैक या कलर कोई भी पेन, की कोई और कलर की पेन यूज़ कर सकते हैं, बस ब्लू और ब्लैक दो ही यूज़ करनी है? मैम जहाँ तक मेरी जानकारी है तो ब्लू और ब्लैक ही लोग बताते हैं, और मैं ब्लू यूज़ करता हूँ। अच्छा, हाइलाइटर का यूज़ होता है क्या वहाँ पर? नहीं, बिल्कुल नहीं करना होता है। अच्छा। आप उसको जैसे जैसे जिस पेंसिल है उसी से एक मतलब हाईलाइट कर सकते हैं, नीचे सर्किल खींच सकते हैं। अच्छा। लेकिन इतना समय मिलता नहीं जल्दी। अच्छा, ये भी बड़ी समस्या। अच्छा, तो ये हो गया। अब ये बताइए, जैसे आप इंटरव्यू में गए, आप पैनल जहाँ बैठा था, आपने एंट्री की, तो वो पूरा एनवायरनमेंट बताइए लोगों को थोड़ा। जैसे आप जहाँ से मतलब इंट्री करेंगे आयोग में, वहाँ जाके करीब 1 से 1.5 घंटे आपका रहता है, वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलता है, और फिर अंदर जाके आपको कोड मिलेगा, और फिर एक हॉल में आपको बैठा देंगे, और वहाँ पे मतलब होता है कि वहाँ से मतलब रैंडमली आपको बुलाया जाएगा किसी को भी, और वहाँ पे मतलब होता है कि बहुत सारे बच्चे बैठे हो, आप डिस्कशन कर सकते थोड़ा बहुत, और फिर वहाँ से आपको ले जाएंगे जो अर्दली आते हैं वो जिस बोर्ड के नीचे बैठा देंगे वही आपका बोर्ड रहता है, और जैसे आप एंट्री करेंगे दरवाज़ा खोलते हैं और आप एंट्री, आपके सामने करीब 4 से 5 लोग बैठे रहेंगे, और उसके बाद आपका वहाँ पे आप पूछेंगे कि मैं कम इन सर, उसके बाद एंट्री, फिर एंट्री हो जाएगी, बैठने को बोलेंगे और आप बैठ जाएंगे, है ना, इतना होगा जी। और जो इंटरव्यू का जो क्वेश्चन होता है उसकी लैंग्वेज वहाँ पे क्या इंग्लिश में होता है कि हिंदी में होता है? जैसे उत्तर प्रदेश में तो हिंदी मीडियम ज़्यादा हुआ है लोकप्रिय, तो ज़्यादातर क्वेश्चन वो हिंदी में पूछते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है आपसे इंग्लिश में सवाल पूछें, तो आप उनसे मतलब बोल सकते हैं कि मुझे मतलब इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम है, आप हिंदी में कंटिन्यू, तो आपकी बात मान जाएंगे, फिर कोई नकारात्मक प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, ऐसा कोई समस्या नहीं होता है। अब ये सारी बातें हो गई, प्री मेन इंटरव्यू तीनों ही आपने सब कुछ कर लिया, आपको अच्छी पोस्ट मिल गई, अब इसके बाद इन सारे चीज़ों के दौरान किसी ने कभी ये नहीं कहा कि बाहर रह के तैयारी सिर्फ कर रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इतना टाइम हो गया, ये सारी चीज़ों का सामना भी तो किया होगा आपने? जी मैम, ये तो होना ही रहता है, ये तो हर किसी से पूछते हैं, अभी जैसे मैं सेलेक्ट हो गया तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि घर वाले कैसे सपोर्ट किए इतना दिन तक, या दोस्त कैसे सपोर्ट किए, तो ये तो हमेशा रहेगा। आप जब सफल होंगे तो सब कोई भूल जाता है कि आपने कितना समय दिया, क्या तैयारी किया, क्योंकि जो हम लाइन चूज किए यहाँ पे कोई ऐसा 1 या 2 मिलेगा जो पहले अटैम्प्ट में सेलेक्ट हो जाता है। ज़्यादातर लोग की मतलब कंपनी स्ट्रगल तो रहती है, 2 से 3-4 बार रहती है, क्योंकि सीट बहुत कम होती है, सभी अच्छे हो जाए तो भी पॉसिबल है आपको तुरंत चांस ना मिलेगा, ये भी है, क्योंकि जहाँ 7 लाख फॉर्म भरा रहे हैं वहाँ सिर्फ 300 सीटें हैं।
अब ऐसे में क्या होता है, फैमिली तो पूरा सपोर्ट कर रही होती है लेकिन हमारे जो पड़ोसी लोग हैं ना वो कुछ ना कुछ ज़रूर कह देते हैं, तो ऐसा कभी कोई बात हो तो आप कह सकते हैं? जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त बोलते थे कि यार सेलेक्ट हो जाओ, इंतज़ार कर रही है वो, लेकिन जैसे रिजल्ट मैं फाइनल में 2 बार फेल हुआ, 2 इंटरव्यूज में फाइनल में फेल हुआ था, तो उन्होंने बोला यार कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। उस समय इंसान खुद दुखी रहता, लेकिन वही ना कि दूसरों को ताने से इंसान फिर मजबूत होता है कि लगता है ठीक है अब समय आएगा तो हमारा भी आएगा। अच्छा, कोई रोल मॉडल रहा आपका कभी? अब मुझे मतलब ऐसे तो मेरे बाबा जी रहे हैं, क्योंकि उनको देख के मैंने बहुत कुछ सीखा हुआ है। जैसे सबसे बढ़िया तो मतलब मेहनत करना, आप जो काम पकड़े उसको ख़त्म करना और टाइम पे पाबंद रहना, अनुशासन में रहना, ये सब चीज़ें मैंने उनको देखते हुए सीखा हुआ है और साथ में जिया भी है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, मम्मी से पापा से क्या सीखा आपने फिर कुछ? पापा से करना चाहें, पापा सबसे बड़ी बात है कि सही बोलना, जो भी कर रहे हैं उसको सच बोलना। जैसे बहुत सारे यहाँ दोस्त रहते हैं जो तैयारी करेंगे तो झूठी बातें मतलब कर लेंगे कि हाँ मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे साथ ऐसा है कि मैंने आज तक कोई झूठ नहीं बोला है। अगर मैं प्री में भी फेल हो गया तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, बताता हूँ, मेरे जितने नंबर वो जानते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि हाँ उनसे ही मैंने सीखा वो कि कम से कम लाइफ में अपने लिए से लॉयल रहेंगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। तो आपके भाई बहन अभी क्या कर रहे हैं? मेरा एक छोटा भाई है तो वो भी तैयारी कर रहा है, वो SSC की तैयारी कर रहा है, और मेरी बहन शादीशुदा है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब थोड़ा वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर लेते हैं। जैसे अभी देखा, वैसे इस बार PCS में तो लड़कियां काफ़ी आगे ही हैं, लेकिन वैसे ही मैंने जो नोट करा है समाज को देखते हुए वो ये रहा कि लड़कों को तो बाहर पढ़ने को भेजा जाता है बट लड़कियों को नहीं भेजा जाता है, और कोई भेज भी रहा है तो 4 लोग पास के लोग कुछ ना कुछ वो सोचते रहते हैं कि बाहर भेज दिया है, लड़की पढ़ रही नहीं पढ़ रही, मतलब प्रॉब्लम होती बाहर। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि जो पढ़ाने का तरीका है वो लड़कों को ज़्यादा है, वो बाहर उनको निकलने को मिलता है, कभी लड़कियाँ इलाहाबाद जाके तैयारी नहीं कर सकती, दिल्ली जाके तैयारी नहीं कर सकती। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे जो पेरेंट्स भेजना नहीं चाहते, और ऐसी लड़कियों के लिए क्या कहेंगे जो ऐसा फेस कर रही हैं? फेस तो कर रही हैं, तो आपको भी पता होगा, तो क्या आप कहना चाहेंगे? मैम, जैसे मेरा मानना है कि जो हमारी सोसाइटी है यहाँ, मतलब किसी बड़े क्रांति के बिना भी लड़कियाँ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। आज के आप 10 साल पहले देखेंगे तो इतनी जो रिप्रेजेंटेशन है आप किसी सर्विस में नहीं देख पाएंगे, लेकिन आज 10 साल में बहुत तेज़ी से बदला हुआ है। तो कहीं ना कहीं लड़कियाँ और पेरेंट्स दोनों लोग ये चीज़ समझ रहे हैं, आज यहाँ पर बहुत सारे लोग तैयारी के लिए आ रहे हैं और अच्छा कर भी रहे हैं। आप रैंक देख समझ सकती हैं कि IAS हो या PCS हो, सब में top 10 में लड़कियाँ रह रही हैं। तो ये धीरे धीरे बदल रहा है, मुझे लगता है आज के 10 साल बाद में बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंज होगा, और परिवार में जैसे पिता लोग भी अब समझ रहे हैं। तो थोड़ा पुराने समय में प्रॉब्लम्स थी, एक सुरक्षा को लेके था, अब जो समाज जितना अच्छा होता जा रहा है उस हिसाब से सुरक्षा में उनको समस्या नहीं आ रही है, तो बाहर वो भी रह के पढ़ रही हैं और रिजल्ट भी दिखा रही हैं। सबसे बड़ी बात है क्योंकि एक लड़की सफल होती है उसके पूरे गांव के लोग को लगता है कि अब हम अपनी लड़कियों को भेजेंगे। यही बात है कि अगर एक लड़की जा रही है तो वो अपने आसपास के लोगों को भी मोटिवेट करती है कि हाँ, वो उसको देख करके वो भी फिर शुरू करते हैं, तैयारी शुरू करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे कि कभी इन लोगों ने कोई जो ताने वाने दिए हैं उस बारे में कुछ बता सकते हैं खुल करके? मैम, जैसे ताने तो ज़रूर सबको मिलते हैं, मुझे भी मिले हुए हैं, लेकिन यह कि सामने कभी कोई नहीं देता है। अच्छा। आपके पीठ पीछे आपको सुनने को मिलेगा। अच्छा। मुझे लगता है कि उनका जवाब कुछ बोलने से बेहतर है आप कुछ करके कर दीजिए। अच्छा। बाद में उनका सारे थॉट अपने आप चेंज हो जाएंगे। अच्छा। और अभी जैसे हम सेलेक्ट हो गए तो फिर अब कोई ऐसा ताना नहीं मारेगा, बोलेगा नहीं मैं तो जानता ही था, वो कर लेगा। अच्छा, तो ये चीज़ है, बाद में तो ये कहते ही हैं। अच्छा, कभी आपको मौका दिया जाए, बोला जाए कि आपको एक बार मौका है इनसे मिलने का, तो वो कौन होगा जिससे आप मिलना चाहेंगे? फिलहाल के लिए तो मतलब मुझे ऐसा लगता है जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जैसे अभी DRDO के साइंटिस्ट है, ISRO के साइंटिस्ट, इनसे मुझे मिलना थोड़ा पसंद है, क्योंकि अच्छा, लगता है कि ये सब चीज़ें बहुत कुछ सिखा सकते हैं हमें। अच्छा। क्योंकि नॉर्मली जैसे मेरे मतलब कोई रोल मॉडल कभी ऐसे फिल्म या ऐसा कुछ नहीं रहे हैं, वैसा साइंटिस्ट रहे हैं, तो मैं उनसे ज़रूर मिलना चाहूँगा। अच्छा, कभी आप जब दुखी हो रहे थे पढ़ते समय, प्रॉब्लम आ रही, क्रिएट हो रही चारों ओर से, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है, वो मेंटली हो सकती है, इकोनॉमिकली हो सकती है, कुछ भी हो सकती है या सामाजिक हो सकती है, तो उससे उभरने के लिए आप क्या करते थे एट अ टाइम? मेरे लिए है कि वो किसी प्रॉब्लम ऐसी आती है तो सबसे सिंपल है गाना लगाओ, सुनते रहो और थोड़ा टहलते रहो। अच्छा। एक आध घंटे बाद नॉर्मल हो जाएंगे, आपको लगे ठीक है इतना टेंशन क्यों लेना, प्रॉब्लम ही है। अब जितना ज़्यादा आप ध्यान देंगे तो प्रॉब्लम उतनी आपको बड़ी लगेगी। अच्छा। आप ध्यान नहीं देंगे फिर लगे छोटी प्रॉब्लम है। तो मैं रिलैक्स रहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ रखें उसको चेंज नहीं कर पाऊँगा, अगर कोई मतलब सामाजिक प्रॉब्लम है, उससे अच्छा है कि अपने आप को उससे अलग कर लेना। जी, बिल्कुल, हम जब जो चीज़ चेंज नहीं कर सकते बेहतर है उसे स्वीकार कर लें, और हो सके तो और बेहतर करने की कोशिश करें, यही हमारे हाथ में होता है। अच्छा, ये बताइए कभी आप
आज तक अपने पूरे जीवन में कभी पुराने किसी ऐसा कोई निर्णय आपने लिया हो जिसे आप बदलना चाहते हो, आपको मौका मिले कि आप ये बदल सकते हैं, तो कभी कोई ऐसा निर्णय आपका गलत रहा हो जिसे आप सही करना चाहते हो? मुझे लगता है कि मैंने जो मीडियम चुना हुआ था जी, वो शायद गलत चुन लिया था उस समय। अच्छा, अच्छा। क्योंकि ये मुझे रिग्रेट पहले भी था, अभी भी है। अच्छा। क्योंकि उस समय मुझे इतनी जानकारी थी नहीं और कोई मेरा इस लाइन में कोई दोस्त कभी था नहीं जो बता सके कि सही निर्णय क्या हो सकता है। अच्छा। तो ये मेरी रहता है कि अगर मुझे मौका मिले तो उसको बदल सकता था। अच्छा, तो यहाँ आप कहाँ पर अभी रह रहे हैं? मैम यहाँ वजीराबाद में रहता हूँ, दिल्ली में। तो यहाँ पे अकेले कैसे खाना बनाते खाते कैसे खाते हैं, क्या दिनचर्या है आपकी? मैं अपने भाई के साथ रहता हूँ, तो हम दोनों मतलब यहाँ पे कुक रहती हैं, वो बनाती हैं। अच्छा। तो उससे रहता है कि समय बचता है, क्योंकि वैसे रहता है कि हम लाइब्रेरी चले जाते हैं, पढ़ते रहते हैं, खाना बन जाता है सिर्फ खाने के लिए जाते हैं। अच्छा। तो ये भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे सुबह या शाम दो टाइम मिला के आप 2 से 3 घंटे आपके बच जाते हैं, ये तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं पढ़ने में। कोई और बात है जो मैंने पूछी ना हो और आपको कहना हो तो कह सकते हैं? नहीं, मैम ऐसे कोई फिलहाल बात नहीं है। अच्छा, तो आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और इसी तरह आगे बढ़िए, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ मैं और सभी चैनल की तरफ से, आपके चैनल परिवार की तरफ से, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका भविष्य उज्जवल। थैंक यू।